बातें कुछ अपनी अपने ही मन से, ये उस कविता संग्रह का नाम है जिसका परिचय मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं सरिता कुलकर्णी पाटणकर आज आपके सामने श्री सुरेश गंगा खेड़कर जी की बातें कुछ अपनी अपने ही मन से इस काव्य पुस्तक में से कुछ काव्य रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कविता संग्रह अमेजॉन और किंडल पे उपलब्ध है। सुरेश जी का जन्म और परवरिश हैदराबाद शहर में हुई। बचपन हैदराबाद में बीता। स्कूल और कॉलेज के ज़माने में संगीत, चित्रकारी, थिएटर से उन्हें लगाव रहा। पेशे से आर्किटेक्ट, वे काम के सिलसिले में शिमला, हिमाचल जा बसे। सुरेश जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। आर्किटेक्ट सुरेश जी कवि, रचनाकार और रंगचित्रकार भी है। इनकी रचनाओं में नवरस और नवरंग का एहसास होता है और उनकी रंगचित्रों में काव्य की अनुभूति होती है। चलिए अभी हम उनकी कविताओं की ओर बढ़ते हैं। पहली कविता जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है गुलशन। लो बढ़ाओ हाथ अपना और उसे अपना लो मन से। लो बढ़ाओ हाथ अपना और उसे अपना लो मन से। एक जो हो जाए हम सब, खिल उठे गुलशन फिर से। मत बुझाओ दीप सारे, ये भी तो है नैनों के तारे। मत बुझाओ दीप सारे, ये भी तो है नैनों के तारे। लो मिटाओ भेद सारा, क्या हमारे क्या तुम्हारे। किस लिए ये विध्वंस सारा, क्या बिगाड़े ये तुम्हारा। किस लिए ये विध्वंस सारा, क्या बिगाड़े ये तुम्हारा। क्यों उजाड़े गोद किसकी, हर शिशु माँ का है प्यारा। सत्य क्या है क्या असत्य, क्या है हिंसा क्या अहिंसा। सत्य क्या है क्या असत्य, क्या है हिंसा क्या अहिंसा। धर्म व अधर्म क्या है, पाप क्या और पुण्य क्या। स्मरण कर लो बोध उसका, था अहिंसा शस्त्र जिसका। स्मरण कर लो बोध उसका, था अहिंसा शस्त्र जिसका। त्याग दो तुम शोक मन से और बनो अशोक फिर से। त्याग दो तुम शोक मन से और बनो अशोक फिर से। जिंदगी के सफ़र में हम एक साथ चलते हैं, इकट्ठा चलते हैं। सुहाने अनुभव सपने देख प्रेम से दिन गुजारते हैं, पर कुछ समय बाद इस सफ़र का कुछ अलग ही अनुभव हम महसूस करते हैं। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से जुड़ी अगली कविता सुनाती हूँ। नाम है क्या याद है तुम्हें। क्या याद है तुम्हें, कब चले थे हम और तुम बादलों के साथ, उनमें छुपते निकलते चांद को ढूंढते। क्या याद है तुम्हें, कब चले थे हम और तुम बादलों के साथ, उनमें छुपते निकलते चांद को ढूंढने। आसमान में दूर तक फैले आकाशगंगा में छिपे सितारों को गिनते। उन्हें करीब से देखने की चाहत लिए मन में उबड़ खाबड़ पगडंडियों से गुजरकर पहाड़ी की चोटी तक पहुंचते। उन्हें करीब से देखने की चाहत लिए मन में उबड़ खाबड़ पगडंडियों से गुजरकर पहाड़ी की चोटी तक पहुंचते। चोटी पर से गुजरती सारे बदन में सहरन दौड़ाती, सर्द हवाओं की लहरों को महसूस करते। चोटी पर से गुजरती सारे बदन में सहरन दौड़ाती, सर्द हवाओं की लहरों को महसूस करते। हाय कब कब कैसे कैसे चले थे हम साथ, और आज भी चल रहे हैं हम और तुम उसी तरह, लेकिन अकेले अकेले। और आज भी चल रहे हैं हम और तुम उसी तरह, लेकिन अकेले अकेले
समय के साथ। समय ने असमय ही हमें न जाने किस सुख की लालसा में जिंदगी की दौड़ में उलझा दिया। समय ने असमय ही हमें न जाने किस सुख की लालसा में जिंदगी की दौड़ में उलझा दिया। इतना व्यस्त कर दिया कि पता ही नहीं चला, इतना व्यस्त कर दिया कि पता ही नहीं चला कब कैसे हमारी ये जिंदगी हो गई पूरी तरह से अस्त व्यस्त। कब कैसे हमारी ये जिंदगी हो गई पूरी तरह से अस्त व्यस्त और हम हो गए परस्त, हम हो गए परस्त। सुरेश जी ने अपने कुछ विचार गजल इस माध्यम से भी अभिव्यक्त किए हैं। उनकी गजलों में उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ा अनुभव, दुख दर्द, सामाजिक बदलाव, कुछ प्रेरणादायी प्रतिभा उनमें दिखाई देती है। उनकी एक गज़ल अब मैं पेश करना चाहती हूँ। ये ज़माना भी कितने रंग बदल रहा है, ये ज़माना भी कितने रंग बदल रहा है, सुबह कुछ तो शाम को कुछ लग रहा है। ये ज़माना भी कितने रंग बदल रहा है, सुबह कुछ तो शाम को कुछ लग रहा है। कल तक टालता था हर कोई जिसे, कल तक टालता था हर कोई जिसे, बात उसी की आज वो गौर से सुन रहा है। कमज़ोरी समझ बैठे थे खामोशी को जिसकी, कमज़ोरी समझ बैठे थे खामोशी को जिसकी, हिम्मत से उसकी ये ज़माना भी डर रहा है। जागो उठो चलो रुकना नहीं है अब हमें, जागो उठो चलो रुकना नहीं है अब हमें, देखो नए दिन का नया सूरज बुला रहा है। बहुत हुआ अब अंधेरे से क्या है डरना, बहुत हुआ अब अंधेरे से क्या है डरना, हर दिल में विश्वास का दिया जल रहा है। गम गुर्बत भ्रष्ट नीति फैली थी हर सू, गम गुर्बत भ्रष्ट नीति फैली थी हर सू, उसी दलदल से देखो एक कमल खिल रहा है, उसी दलदल से देखो एक कमल खिल रहा है। एक लकीर के क्या मायने हैं, एक लकीर के क्या मायने हैं, हर कोई उस लकीर को किस नज़रिए से देखता है, क्या सोचता है। लकीर हर एक के मन को कैसे छू जाती है और यही लकीर एक बिरहा को किस तरह से तड़पाती है। चलिए सुनते हैं अगली गज़ल लकीर। कैसे कब लगा के लकीर जमीन को दो हिस्सों में बांट गया है कोई, कैसे कब लगा के जमीन को दो हिस्सों में बांट गया है कोई, क्यों लगता है उस पार से अब भी पुकार रहा है कोई। बर्फीली चोटियों पर सर्दी की धूप अंधेरी रात में खड़ा कोई, बर्फीली चोटियों पर सर्दी की धूप अंधेरी रात में खड़ा कोई, संगीन लिए हाथ में न जाने किस सपने में खो गया है कोई। दूर गांव में तस्वीर लिए हाथ में गीत बिरहा के गा रहा है कोई, दूर गांव में तस्वीर लिए हाथ में गीत बिरहा के गा रहा है कोई, बेखबर उससे यहाँ खुशियों में डूबकर जश्न आज़ादी मना रहा है कोई। खुशियाँ इधर गोलियों की बौछार उधर, खुशियाँ इधर गोलियों की बौछार उधर, शायद शायद आज फिर शहीद हुआ है कोई। लकीर की हिफाजत में उधर जान निछावर कर रहा है कोई, लकीर की हिफाजत में उधर जान निछावर कर रहा है कोई, इधर
अपने ही देश में रोज नई लकीर खींच रहा है कोई, इधर अपने ही देश में रोज नई लकीर खींच रहा है कोई। हर एक शख्स, हर मनुष्य अपने आप में कुछ तलाशता रहता है। जिंदगी से जुड़े अनगिनत प्रश्न उसे सताते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई है जो हमारे आसपास है, महसूस होता है पर दिखता नहीं है। ये सारे प्रश्न कवि के मन में उमड़ते हैं और एक रचना का जन्म होता है, तलाश। अगली गजल का नाम है तलाश। कौन है, कहाँ है तू, कुछ तो बता, छुपा रहता है क्यों, कुछ तो बता। कौन है, कहाँ है तू, कुछ तो बता, छुपा रहता है क्यों, कुछ तो बता। गर है जिंदगी दम से तुम्हारे, पाए तुम्हें हम कैसे ये भी तो बता। गर है जिंदगी दम से तुम्हारे, पाए तुम्हें हम कैसे ये भी तो बता। दो दिन की जिंदगी ये सांसें गिनी चुनी, दो दिन की जिंदगी ये सांसें गिनी चुनी, यूं न ख़त्म हो सफ़र कोई पता तो बता। ढूंढने में कटेगी क्या ये उम्र सारी, ढूंढने में कटेगी क्या ये उम्र सारी, बेफजूल क्यों जिए हम ये भी तो बता। तू है कि नहीं मुश्किल है ये भी कहना, तू है कि नहीं मुश्किल है ये भी कहना, पर मानू कैसा वजूद ये भी तो बसा। ढूंढ लूँगा मैं तुझे, ढूंढ लूँगा मैं तुझे, एक न दिन, एक न एक दिन आखिर, ढूंढ लूँगा मैं तुझे, एक न एक दिन आखिर, जाने दे खामोशी रह तू, अभी कुछ न बता। कौन है, कहाँ है तू, कुछ तो बता, छुपा रहता है क्यों, कुछ तो बता। प्रेम की भावना भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। प्रेम करने वाले जान की बाजी लगाने में कम नहीं होते और सच में जान दे भी देते हैं, क्योंकि प्रेम अंधा होता है, उसे प्रेम के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आता। कैसे, तो चलिए ये अंतिम कविता में हम देखेंगे। देखा जो तुम्हें पानी की लहरों से खेलते हुए, देखा जो तुम्हें पानी की लहरों से खेलते हुए, खेलते खेलते अचानक तुम्हारा पानी में गिर जाना, खेलते खेलते अचानक तुम्हारा पानी में गिर जाना। तुम्हें डूबता देख मेरा दौड़े दौड़े पानी के पास आना, आखिरी सांस तक साथ देने का किया था वादा, आखिरी सांस तक साथ देने का किया था वादा। मैं भी पानी में कूद पड़ा, पर जानती नहीं थी तुम तब तक कि आता नहीं था मुझे भी पानी में तैरना, आता नहीं था मुझे भी पानी में तैरना। नमस्कार, कैसी लगी ये सारी कविताएं आपको, हमें ज़रूर बतलाइएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार है। नमस्कार।